बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी पालक आलू। उसके लिए मैंने दो आलूओं को काटा है, एक टमाटर है, एक जवा लहसुन का है, एक हैलापिनो पेपर है। मेथी को मैंने धो के इसके पत्ते निकाल लिए थे। पालक मेरे पास एक बंच है, इसको भी धो के मैंने काट लिया है। इस तरह से ये मसाले हैं। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं वो डालेंगे इसमें। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रश लहसुन और हरी मिर्ची। मैंने एक हैलापीनो को छोटा छोटा काट लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे थोड़े से जीरे के साथ। ज़ीरा मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। अब इस टाइम पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हल्दी। मैंने लिए 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। इसके अंदर जाएगा टमाटर, आलू, मेथी को और पालक को भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। पिसी लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी रोस्टेड क्रश धनिया का पाउडर। और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। मिर्च कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इस टाइम पे इसमें मैं डालूंगी 1/8 कप पानी, और पानी डालने के बाद इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। इस टाइम पे अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। पालक और मेथी को आपको अच्छी तरह से और टमाटरों को भूनना है। आलू चेक कर लें। आलू इस टाइम पे गल चुका है और सब्ज़ी भी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। मैंने बनाई है आलू पालक मेथी की सब्ज़ी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।